नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं देना पड़ेगा कोई परीक्षा शुल्क। जी हां, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी शीघ्र मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ। वहीं इसके अलावा राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भविष्य में कोई भी परीक्षा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को भिवानी में की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को भिवानी में आयोजित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अलंकरण समारोह में हिस्सा लिया। यहां पर उन्होंने वर्ष 2012 से वर्ष 2018 तक प्रदेश में 10वीं और 12वीं में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले राजकीय ओपन स्कूल के 216 होनहार विद्यार्थियों को डॉक्टर कल्पना चावला अवार्ड, स्वर्ण पदक, रजत पदक से सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री ने समारोह के दौरान बोर्ड स्थापना का स्वर्ण जयंती लोगो भी जारी किया और बोर्ड परिसर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनने वाले अटल बहुउद्देशीय सभागार का शिलान्यास भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं में नकल पर अंकुश लगाने के लिए बड़े ही सार्थक प्रयास किए हैं। इसके लिए रचनात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसी के चलते युवाओं को नकल रहित परीक्षा देने का एक माहौल बना है। समारोह में मुख्यमंत्री ने शिक्षा बोर्ड की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड की पिछले कुछ समय से जो प्रगति हुई है वह उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के अधिकारियों व कर्मचारियों को शीघ्र ही 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भविष्य में बोर्ड परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार से नकल पर नकेल कसने वाले, सार्थक भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को भी जिला स्तर पर अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल हरियाणा से ये खास खबरें। हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड इस दिनों में प्रगति देखने को मिली है, उल्लेखनीय है। बहुत अच्छे काम आप लोगों ने किए हैं। एक टीम के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। खास करके इस हरियाणा में विद्यार्थियों की परीक्षा में जो नकल का सिलसिला ये बहुत चलता रहा है, इसको रोकने के विभिन्न प्रकार के प्रयोग बोर्ड में पहले भी किए हैं, लेकिन जो मुझे भी जानकारी मिली है कि इस पर आप लोगों ने बहुत सफलता से काबू पाया है। परिणाम भी अच्छे निकले हैं और शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो हमारे अध्यापक, कर्मचारी, अधिकारी ये सब लोग इस उत्साह से टीम के रूप में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, जैसे पिछले साल की एग्जैक्ट की परीक्षा अपने आप में चैलेंज होता है। ये परीक्षा आपने सफलता से करवाई और अभी इस वर्ष की भी एग्जैक्ट की परीक्षा आप करवा रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो भाग लेते हैं, परीक्षा होती है। बल्कि कभी कभी कहते हैं कि जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन पहले तो स्टाफ सिलेक्शन बहुत होता है, कुछ बोर्ड में मोटर विद्यार्थी कुछ मांगे जो बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो चैलेंज होता है। कुछ बोर्ड है डिपार्टमेंट, अब हमको याद आता है कि बोर्ड और डिपार्टमेंट हमारा लाखों में साल से निकाला जाएगा। लेने वाला ध्यान में बोर्ड जो है उसके अनुसार बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एक विषय हमारे हरियाणा में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग इनके जो राजकीय विद्यालय हैं, इनकी जो पढ़ने वाले बोर्ड की परीक्षा का शुल्क है वो शुल्क अभी तक उनसे तो नहीं लिया जाता, सरकार से क्लेम किया जाता है। लेकिन सरकार और बोर्ड का कुछ आपस में विवाद चल रहा है। आगे से बोर्ड के लोगों ने, आप लोगों ने जो एक तय किया है कि बोर्ड की ओर से ही ऐसे जो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनका परीक्षा शुल्क इसको जीरो किया जाता है, उनसे बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। तो एक बड़ी सुविधा बोर्ड और सरकार का जो विवाद है आपस में उसको समाप्त करने में काम आएगी। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जो नकल रोकने के लिए आपने बहुत अध्यापकों ने जो अपने सार्थक सफल प्रयास किए हैं, सराहनीय है। उसमें कुछ अध्यापक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपनी बुद्धि लगाकर, अपना टैलेंट लगा करके जो काम करते हैं, उनको अवार्ड देने का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। हर वर्ष 2 अवार्ड, सुशीला स्मृति अवार्ड और मुकेश स्मृति अवार्ड, ये उन अध्यापक और अध्यापिकाओं को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा जो नकल रोकने में अत्यधिक काम करते हैं। ये 3 घोषणाएं मुझे आपके सामने करनी थी।